अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कुछ कुछ ठीक हूँ, कुछ कुछ आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करें। और आज का व्लॉग जो है ना, मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था इस वजह से कि मैं कल बहुत बिजी थी और इस वजह से फिर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज जो है मैंने कहा आज थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ आपसे। और आज सुबह मैंने एक सूट सिलाई किया है, सूट सिलाई नहीं किया, सूट कटिंग किया है। कटिंग करके उसके साथ मैंने शलवार सिलाई अभी कर ही रही हूँ, इलास्टिक डाली है। ये देखें, ये मैंने ऐसे इलास्टिक डाली है, कैसी लगी आपको? ये मैं सूट सिलाई कर रही हूँ आज। तो आज मेरी तबीयत जो है ना, मेरे इस जगहों पे ना, पता नहीं मशीन पे बैठने की वजह से ना, मेरे ये पट्ठों में दर्द है और शदीद दर्द है। इस वजह से मेरा कपड़े सिलाई करने को आज दिल नहीं कर रहा। आज मैं कहती हूँ, आज जुमे का भी दिन है, जुमे का तो वैसे ही मेरा दिल नहीं करता, तो ऊपर से मेरी जो ये गर्दन है ना, ये बहुत आज दर्द कर रही है क्योंकि मशीन पे ऐसे झुक के बैठना पड़ता है ना। तो कल से मेरा बीपी हाई है, हाई की वजह से फिर ये गर्दन जो है वो मेरी दर्द करती है। तो कल मैंने रात को भी मैंने बीपी हाई की गोली खाई है और आज भी मैंने बीपी हाई की गोली खाई है और एक पेनाडाल की गोली खाई है। मैंने कहा शायद आराम आ जाए, लेकिन अभी तक मुझे आराम नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ कि दम वगैरह करवा के आ जाऊँ तो शायद दम से आराम आ जाए। तो सारा घर का काम फिर आज मुझे ही करना पड़ा क्योंकि बहू आज थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब है, तो कह रही है कि मुझसे काम नहीं होता। तो फिर सारा काम मैंने किया, झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोए, उसके बाद फिर मैंने कल बेचारी ने कपड़े धोए हैं। ये नहीं है कि किया नहीं उसने काम, कल कपड़े धोए हैं और कुछ इस्त्री भी किए हैं, कुछ इस्त्री वाले रहते हैं तो इस्त्री करके तो फिर तकरीबन मैं सारा काम कर चुकी हूँ। बस आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, मुझसे नहीं ना कपड़े सिलाई होते हैं और ना ही मुझसे काम होता है। तो अल्लाह हाफिज़।